गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल विरदी साइंस। जैसा कि मैंने पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अभी लास्ट वीडियो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन की परत के क्षय से रिलेटेड डाली हैं, तो आप उसको ज़रूर विज़िट करें मेरे चैनल पे, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं मैं आपके लिए नेक्स्ट बना के लेके आ रही हूँ, जिसमें सभी पॉइंट्स को मैंने ध्यान में रखते हुए आगे बनाया है। तो मेरा आज का टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जिसको हम हिंदी में साबुन व अपमार्जक भी बोलते हैं। सोप्स जो हैं वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। देखिए, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो एक फंक्शनल ग्रुप है। जब आप पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग होती है, तो उसमें COOH जो ग्रुप है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, उसी को ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, तो साबुन के अंदर जो रिएक्ट करवाया जाता है वो वसीय अम्ल होते हैं, उनको जब कास्टिक सोडा या हम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तभी हमें साबुन मिलते हैं। ठीक है, तो साबुन एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जिसमें कि सोडियम और पोटेशियम के लवण पाए जाते हैं, साल्ट्स होते हैं। साबुन वसा और तेल वह उनके फैटी एसिड को क्षार के साथ अभिक्रिया करने पे बनाया जाता है। तो इसकी रिएक्शन में भी आपको आगे बताऊंगी। फैटी एसिड्स में जो इसमें हम पशुओं की चर्बी ले सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ठीक है, उनको जब हम किसी भी प्रकार का क्षार का मतलब है, चाहे तो आप उसमें NaOH को लीजिए, चाहे आप KOH को लीजिए, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, तब हमें जो है साबुन मिलता है। साबुन की रिएक्शन में रिएक्शन होती है जिसमें साबुन को बनाया जाता है, इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, साबुनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो साबुन के दो भाग होते हैं, आयनिक जो कि जल में घुलनशील होता है, जिसमें सोडियम आयन या पोटेशियम आयन इस तरीके से मिलेंगे, और एक होती है कार्बन श्रृंखला वाले भाग। इसकी पूरी डिटेल विद डायग्राम अभी नेक्स्ट में है, ये उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कार्बन की श्रृंखला वाले जो पार्ट्स हैं उनको वसा या तेल में घुलनशील रहते हैं। ठीक है, साबुन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, साबुन को गलाने के लिए नमक का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। साबुन को गलाने के लिए नमक इसलिए डाला जाता है कि अगर हम उसमें साल्ट नमक नहीं डालेंगे तो बिल्कुल हार्ड रहेगा और वो गलेगा नहीं, तो मतलब घिसना है तो उसको, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड। कई बार आप देखते हो कि कुछ साबुन बहुत हार्ड होते हैं, जिसको आप बट्टी टाइप भी बोल देते हैं, तो वो जो साबुन होते हैं उसमें कुछ क्वांटिटी में अगर कमी रह जाए तो वो हार्ड क्वांटिटी में बन जाते हैं। ठीक है, साबुन में नमी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो वो चटक जाएंगे, बिल्कुल उनमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो 10% जो है नमी साबुन में ज़रूरी है, इससे कम जो है वो साबुन की क्वालिटी को डाउन करता है। साबुन में जब झाग बनानी होती है, चाहे हम लोग इसमें नहाने की साबुन यूज़ करें या हम लोग कपड़े धोने की साबुन यूज़ करें, उसमें रेजिन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाएगा उसमें? रेजिन। रेजिन एक रिएजेंट है जिसको मिलाया जाता है ताकि साबुन में झाग बने। अगर ज़्यादा रेजिन की मात्रा होगी तो झाग ज़्यादा बनेंगे, कम रेजिन की मात्रा होगी तो झाग कम बनेंगे। और ग्लिसरॉल का उपयोग, अब ये जो झाग बन गई है तो उसमें कुछ सॉफ्टनेस भी चाहिए, इस झाग एकदम से सूखे नहीं, इसके लिए इसके अंदर ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। तो इस तरह से साबुन के अंदर ये कंपोजिशन रखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो साबुन है वो एक अच्छी क्वालिटी का साबुन भी बन सके। तो देखिए, मैंने अभी पहले बताया था कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कपड़े धोने की साबुन में उपयोग में लिया जाता है, और KOH जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये नहाने की साबुन में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, साबुन का सामान्य सूत्र RC(ONa), यानी क्योंकि हमने ऊपर जैसे बोला कि सोडियम और पोटेशियम के लवण हैं, इसलिए यहाँ पर K भी आ सकता है पोटेशियम का और Na आया है सोडियम के लिए। R यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जैसे CH2, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक पार्ट C(O) है, और यहाँ पर वैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फॉर्मूला है वो COOH होता है, तो एक हाइड्रोजन की जगह
सोडियम का लवण है, इसलिए क्योंकि ये साबुन का सूत्र है तो इसके अंदर कार्बन की संख्या के आधार पे ये अलग अलग इनका नॉमिनेशन होता है, नामकरण होता है। तो ये नॉर्मल कॉमन इसका एक पॉइंट है। इसमें देखिए COONa जो है उस ग्रुप के साथ में जब कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो अलग अलग कार्बन की संख्याओं के आधार पे देखिए जैसे C15H31 COONO- ये आयन बना दिया है तो इसको पामिटेट कहते हैं। अगर इसमें 17 कार्बन होती हैं और 33 हाइड्रोजन होती हैं तो इसको ओलिएट कहा जाता है। 17 कार्बन है लेकिन 35 हाइड्रोजन है तो इसको स्टीरिएट कहा जाएगा। ये इनकी स्ट्रक्चर्स जो होती है इनकी कार्बन की संख्या पर आधारित होती है। अब नेक्स्ट जो है वो है साबुनीकरण की प्रक्रिया। साबुनीकरण जिसको इंग्लिश में सपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वनस्पति तेल वसा का क्षार के द्वारा जल अपघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना ही सपोनिफिकेशन प्रोसेस या साबुनीकरण कहलाता है। तो ये पूरी रिएक्शन जो है वो साबुनीकरण की है। इसमें देखिए CH2COOR CHCOOR CH2COOR ये वसीय अम्ल है, फैटी एसिड्स हैं जो कि बहुत उच्च क्वांटिटी के होते हैं तो इनको हम उच्च वसीय अम्ल कहते हैं। ये देखिए कार्बन 1, 2 और 3 हैं, इसलिए तीन ही सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा भी कहते हैं, तो तीन अणु इसके लिए हैं क्योंकि यहाँ तीन कार्बन के अणु हैं। तो यहाँ पर 3 RCOO यानी कि ये जो ये वाला जो फैक्टर है इसके अंदर क्या होगा COOR, तो ये 3, 1, 2 और 3 हैं तो 3 RCO, हमने R इधर लिख दिया CO, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाती है उसकी जगह पर नाइट्रोजन आ जाती है, सॉरी सोडियम आ जाता है, Na आ जाता है तो ये बन जाता है RCOONa। इसको ही हम साबुन कहते हैं, इसी को साबुन का फार्मूला माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि साबुन का क्या सूत्र है तो साबुन का सूत्र है RCOONa। क्लियर है? ये Na यानी कि सोडियम जो है मैंने अभी जैसे बताया आपको कपड़े धोने की साबुन में यूज़ किया जाता है, जबकि जो हम नहाते हैं फेस पे लगाते हैं ऐसी साबुनों के अंदर पोटेशियम को यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर जो ग्लिसरॉल है, रेजिन है, ये इसलिए मिलाए जाते हैं, रेजिन तो झाग के लिए मिलाया जाता है और ग्लिसरॉल जो होता है वो इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो कुछ पारदर्शी भी बन सके और हमारे स्किन को जो है सॉफ्टनेस दे सके, क्योंकि जो साबुन का pH का वैल्यू होती है वो 8 से लेकर 11 तक होती है और हमें पता है कि 7 से लेकर 14 तक जो pH की वैल्यू होती है वो हमेशा क्षारीय प्रकृति की होती है। तो ज़्यादा साबुन यूज़ करने से इसीलिए स्किन जो है धीरे धीरे रूखी होने लग जाती है, ठीक है। और इसी ये फॉर्मूला के साथ में यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं CH2COH CHOH CH2OH, तो ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पर ये सी नहीं है CH2OH, ये ग्लिसरॉल बनेगा क्योंकि यहाँ से CH2CH CH2, तो CH2CH CH और OH ये तीन OH है तो ये इसके साथ में ऐड हो गए, ग्लिसरॉल बनता है। साबुनीकरण की खोज सबसे पहले 1791 में फ्रांसीसी केमिस्ट जो रसायनज्ञ थे निकोलस लेब्लांक ने की थी, ठीक है। और अभी मैंने जैसे बताया कि साबुन का pH 8 से लेकर 11 के बीच क्षारीय प्रकृति का होता है, वो मैंने आपको भी डिटेल बताया है। भारत में हमारे जो पहला साबुन है वो 1930 में टाटा ऑयल मिल्स के द्वारा उनकी फैक्ट्री में बनाया गया जिसका नाम ओके था, ओके साबुन का नाम रखा गया था और ये साबुन हमारे भारत का सबसे पहला है। तो साबुन किस प्रकार से एक प्रक्रिया के द्वारा कैसी संरचना बनाता है जिससे कि जो मैल होता है कपड़ों का ये उनके कपड़ों में से बाहर निकलता है, तो वह संरचना जिसके द्वारा गंदगी को वस्त्रों की कपड़ों की गंदगी को बाहर निकाला जाता है उसे ही मिसेल कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिसेल्स। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये संरचना ये डायग्राम में बताती हूँ। ये बीच में है ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल का मतलब है भी हम लोग चाहे वो कपड़ा गंदगी का हो चाहे उसमें डर्ट पार्टिकल्स हो या उसमें तेल लगा हो, तेल है तो मैल भी होगा, तो ऑयल ड्रॉपलेट या डर्ट
ड्रॉपलेट भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो है इसके अंदर बीच में ये दिखा रखा है, ये आपको एक दिखाई दे रहा है अणु जिसमें के ऊपर सोडियम, जिसे सी ओ ओ, ये जो भाग है ना सी ओ ओ एन ए पॉजिटिव, ये जो प्लस, ये सारे आयनिक भाग हैं। तो ये आयनिक भाग हमेशा बाहर की तरफ रहते हैं, और ये पुच्छी है, ये पूंछ की तरह जो सिरा बन रहा है जो मैंने रेड पेन से शो किया हुआ है, ये पुच्छीय भाग है। तो पुच्छीय भाग हमेशा अंदर की तरफ होता है और आयनिक भाग हमेशा बाहर की तरफ रहता है। तो इसके अंदर जो आयनिक भाग है, आयनिक भाग को हम ध्रुवीय भाग भी कहते हैं। तो ध्रुवीय भाग हमेशा ही जल स्नेही, यानी ये पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, उसके साथ रिएक्ट करने वाला होता है। जबकि जो ये पुच्छीय भाग है, ये इस पुच्छीय भाग के अंदर जल विरागी या विरोधी, इसका मतलब है ये पानी को अंदर एंटर नहीं होने देते। यहाँ यहाँ तक पानी रहेगा, पानी को एंटर नहीं होने देंगे। जैसे ही हम कपड़ों पे साबुन लगाते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपना एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं गोलाकार संरचना में, जिसके अंदर पार्टिकल फंस जाता है और वो गंदगी धीरे धीरे जो है वो कपड़ों से बाहर, जैसे हम नए साफ पानी में कपड़ों को खंगालते हैं 2-3 बार तो वो मैल के साथ में बाहर वॉश आउट हो जाता है। तो ये जो एक संरचना है एक अणु की, उसमें देखिए ये पुच्छीय भाग है जो कि आपको शो कर रहे हैं, इसको हाइड्रोकार्बन भाग कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन जल विरोधी भाग है, और ये ध्रुवीय भाग है जो कि हमेशा बाहर की तरफ रहता है, जल स्नेही भाग होता है। तो अगर हम रिएक्ट करें, मैंने अभी पीछे बताया कि ये साबुन का फॉर्मूला है RCOONA, तो इसको जब ये आयन में टूटेगा तो इसके अंदर दो प्रकार के बनेंगे। सोडियम आयन हमेशा ही प्लस चार्ज होता है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को ये दे देता है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये ऋणायन RCOO ऋणायन के रूप में, और सोडियम धनायन के रूप में इसमें बनता है। और इस प्रकार से ये जो है सपोनिफिकेशन मिसेल की संरचना जो होती है साबुन मैल की गंदगी को दूर करने के काम आती है। तो कौन सी ऐसी संरचना है जिससे कि जो गंदगी को बाहर निकाला जाता है, तो इसका आंसर रहेगा मिसेल। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स को हिंदी में अपमार्जक भी बोला जाता है। साबुन जो होते हैं वो हम कह रहे हैं कि सोडियम के और पोटेशियम के लवण हैं, राइट। अब यहाँ पर जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो होते हैं सल्फोनेट ग्रुप के साथ लंबी एल्काइल श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। यानी इसमें सल्फोनेट ग्रुप, सल्फोनिक एसिड के सल्फोनेट ग्रुप जो है इसके अंदर मेनली प्रेजेंट रहता है, और ये बहुत लंबी चेन बनाते हैं। तो या हम ये कह सकते हैं कि लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण को ही हम डिटर्जेंट्स कहते हैं। साबुन जो होता है वो कठोर पानी में या खारे पानी के अंदर कपड़ों की सफाई अच्छे से नहीं करता, जबकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण होते हैं, इस वजह से ये कठोर पानी, हार्ड वाटर में जहाँ पर खारा पानी है, बहुत ज़्यादा नमकीन पानी या इस तरह का पानी है जहाँ हम कहते हैं कि यहाँ तो हमारे बाल वगैरह साफ़ नहीं होते, तो शैम्पूज़ वगैरह के अंदर इसी को यूज़ किया जाता है। तो ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये कठोर पानी में घुल सकते हैं, जबकि साबुन जो है वो नहीं घुल सकते। अब जनरली क्या होता है, सामान्यतः एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जैसे अपमार्जक का उपयोग घरेलू उद्देश्यों में किया जाता है, ठीक है ना। तो हम घर के अंदर जो सर्फ वगैरह है यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, हम वैसे वॉश डिश की वॉशेज यानी बर्तनों को साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, तो उसके अंदर जनरली जो पार्ट यूज़ किया जाता है दैट इज़ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट ग्रुप होता है। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ठीक है ना। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, यानी पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये हार्मफुल भी होते हैं। डिटर्जेंट्स बनाने के लिए पेट्रोलियम केमिकल्स, जिसमें लॉरियल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है ना, इसमें लॉरियल अल्कोहल है और सल्फ्यूरिक एसिड है, आपस में मिलाया जाता है और सोडियम नमक में चेंज कर दिया जाता है, तभी तो डिटर्जेंट्स जो हैं वो बनते हैं। तो डिटर्जेंट जो होते हैं वो वैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होते हैं। डिटर्जेंट्स जो हैं 5 प्रकार के हैं, सर्फेक्टेंट्स, डिटर्जेंट, स्टेबलाइजर्स,
परसेंट्स, ब्राइटनर्स, फ्लेवर्स आदि। भारत का नंबर वन डिटर्जेंट पाउडर घड़ी का है। तो आप लोगों ने टीवी में ऐड भी सुनी होगी कि घड़ी डिटर्जेंट जो पाउडर है तो वो भारत का सबसे नंबर वन पाउडर है। तो ये आज जो मैंने वीडियो बनाया था ये आपके लिए एक टॉपिक है जिसके अंदर मैंने सोप और डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक से रिलेटेड सारे मेन पॉइंट्स इसके अंदर बताए हैं। तो आप मेरी वीडियो एट द रेट विरधि साइंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी आपकी डिमांडिंग है, कोई भी टॉपिक है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल के लिखें ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको खुद बना के दूं। और ये जो हायर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी सभी टॉपिक्स जो है काम में आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।